कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पहुंचकर हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने पीड़ितों के परिवार से मिलकर उनका दुख जाना है। वहीं उनके दौरे के बाद जिन परिवार से वो मिलकर आए थे, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात बोली है। पीड़ित परिवार के परिजनों ने बताया कि राहुल गांधी हमारे घर आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। भगदड़ में मेरी माँ की मौत हो गई थी, राहुल गांधी ने हमारी सारी बातें सुनी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब राहुल गांधी हमारी बात सुन रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मृतका के बेटे ने यह भी कहा कि यही नेता होना चाहिए जो पीड़ित परिवारों से मिलने जाए, उनके लिए सोचे समझे। उन्होंने मुआवजा बढ़ाने वाली बात भी का जिक्र किया है। मुआवजे की बात को लेकर हम संसद में भी आवाज उठाएंगे, इस बात का भी राहुल गांधी ने जिक्र किया है। यह लापरवाही भी है, परिवार वालों ने कहा कि प्रशासन की कमी है, मुआवजा मिलना चाहिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि दिल खोल कर मुआवजा देना चाहिए। दुख की बात है कि काफी लोगों की मृत्यु हुई है, काफी नुकसान हुआ है हाथरस और अलीगढ़ में। पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने परिवार बहुत दुख में है, ऐसी स्थिति में उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल ने सीएम योगी से अपील की है कि पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, हाथरस में इनसे मिलेंगे राहुल गांधी। अलीगढ़ के बाद हाथरस भगदड़ कांड के 4 पीड़ित परिवारों से मिलेंगे राहुल गांधी। मृतक मुन्नी देवी और आशा देवी के साथ घायल माया देवी के परिवार से मिलेंगे। ये सभी हाथरस के नवीपुर खुर्द की रहने वाली हैं। माया देवी घायल वीतो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजनों को भी बुलाया गया है। ओमवती जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के लोगों से भी मिलेंगे। उनके परिजनों को भी नवीपुर खुर्द के ग्रीन पार्क में बुलाया गया। हालांकि ये हाथरस शहर के दूसरे इलाके की है घटना है। हाथरस में जिले के 20 और शहर के 10 लोग मरने वालों में शामिल है।